हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 12 बिजनेस सर्विसेज बैंकिंग का लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा टाइप्स ऑफ बैंक। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ बैंक का फर्स्ट टाइप क्या है? कमर्शियल बैंक। दीज बैंक्स आर गवर्न्ड बाय इंडियन रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड अकॉर्डिंग टू इट बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये जो बैंक है वो किस रूल किस एक्ट के अंडर गवर्न किए जाते हैं? इंडियन रेगुलेशन एक्ट 1949। और इन बैंक्स के अकॉर्डिंग बैंकिंग का मतलब होता है जो जनरल पब्लिक पैसा जमा कराना चाहती है उनको कलेक्ट करना किस पर्पस से, ताकि वो इन फ्यूचर किसी को अगर कैश की रिक्वायरमेंट है, लोन की रिक्वायरमेंट है, तो उनको वो मनी लेंड कर सकें या जो डिपॉजिट इनके पास इकट्ठा हुआ है उसको कहीं और इन्वेस्ट करके रेवेन्यू जनरेट कर सकें। हमने प्रीवियस वीडियो में ये भी पढ़ा था कि कमर्शियल बैंक टू पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन से? पहला है फॉरेन कमर्शियल बैंक, दोज बैंक विच आर बेस्ड इन सम फॉरेन कंट्री बट हैव ब्रांच इन इंडिया। वो बैंक जो है तो किसी फॉरेन कंट्री के एक्चुअल में बट उनकी ब्रांच है हमारे इंडिया में, इज कॉल्ड फॉरेन कमर्शियल बैंक। उनको क्या कहते हैं? फॉरेन कमर्शियल बैंक। दीज बैंक प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑल्सो। ये बैंक क्या करते हैं? ये बैंक हमें फॉरेन करेंसी के एक्सचेंज में, फॉरेन करेंसी में भी डील करने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल्स आर लॉयड बैंक, चार्टर्ड बैंक, ग्रीनलैंड बैंक, सिटी बैंक एंड बैंक ऑफ अमेरिका आर सम एग्जाम्पल ऑफ फॉरेन कमर्शियल बैंक। सेकेंड टाइप क्या है? इंडियन कमर्शियल बैंक, दोज बैंक विच आर बेस्ड इन इंडिया आर नोन एज इंडियन कमर्शियल बैंक। वो बैंक जो इंडिया में ही होते हैं, इंडिया के ही होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? इंडियन कमर्शियल बैंक। दीज बैंक्स आर ऑफ टू टाइप। ये बैंक कितनी कैटेगरी में कैटेगराइज किए गए हैं? टू कैटेगरी में। फर्स्ट इज पब्लिक सेक्टर, सेकेंड इज पब्लिक प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्या कह रहा है? दीज बैंक आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट। वो बैंक जो गवर्नमेंट ओन करती है। There are 27 in number. ये कितने हैं? 27 banks हैं जो government के under है। Some of these banks are authorized to provide the facilities of foreign exchange also. कुछ banks ऐसे हैं जिनको government के तरफ से authorized किया गया है कि आप foreign exchange में भी general public को help कर सकते हो। पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आर सम एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडियन कमर्शियल बैंक। अब प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या होते हैं? दीज बैंक आर ओन बाय प्राइवेट सेक्टर। वो बैंक जो प्राइवेट सेक्टर ओन करता है। Examples are जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड, पंजाब बैंक लिमिटेड आर सम एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट बैंक। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे प्राइवेट बैंक हैं। आई होप आपको कमर्शियल बैंक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ बैंक पे चलते हैं, दैट इज इंडस्ट्रियल बैंक। IDBI आर दोज बैंक विच गिव मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स टू इंडस्ट्रीज। दीज बैंक हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट्स, also helps in selling shares and debentures of the company and purchase themselves. They usually provide loans for purchasing land, plant and machinery. ये वो बैंक होते हैं जो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स देते हैं इंडस्ट्रीज को। ये हेल्प करते हैं न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट को भी एस्टेब्लिश करने में, और इंडस्ट्रीज के बिहाफ पे ये उनके शेयर्स को सेल और परचेज भी करते हैं। और ये क्या हेल्प करते हैं कि इंडस्ट्रियल जो व्यक्ति इंडस्ट्री ओपन करना चाहता है उसको लैंड परचेजिंग के लिए लोन, प्लांट खरीदने के लिए लोन, की कौन सा एरिया उसको खरीदना है और कोई कौन सी मशीनरी उसको खरीदने है उसके लिए भी लोन्स प्रोवाइड करते हैं। हमने इसके भी दो पार्ट देखे थे, कौन कौन से थे? दैट इज स्टेट लेवल। स्टेट लेवल, ऑन स्टेट लेवल देयर आर टू बैंक्स विच प्रोवाइड लोन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। स्टेट लेवल पे दो ही बैंक है जो लोन प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। कौन कौन से है? स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसको हम FSC भी बोलते हैं, एंड सेकेंड इज स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दैट इज SIDC। ये दो बैंक है स्टेट लेवल पे जो इंडस्ट्रीज को लोन्स प्रोवाइड करते हैं इन टर्म ऑफ देयर डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्या था हमारा? नेक्स्ट टाइप क्या था? नेशनल लेवल। ऑन नेशनल लेवल देर आर फोर बैंक्स विच प्रोवाइड लोन्स फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। नेशनल लेवल पे चार बैंक्स है जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए लोन्स प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन से? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFSI, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ICICI। ये चार बैंक हैं जो नेशनल लेवल पे इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं लोन देकर। आई होप आपको इंडस्ट्रियल बैंक्स भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ बैंक इज एग्रीकल्चरल बैंक, दोज बैंक्स विच प्रोवाइड लोन्स प्राइमरी फॉर एग्रीकल्चरल वर्क। वो बैंक जो क्या करते हैं, जिनका मेन मोटिव होता है कि जो एग्रीकल्चर वर्क से रिलेटेड फार्मर्स हैं या स्मॉल स्मॉल ट्रेडर्स हैं उनको अगर लोन चाहिए तो उनको लोन्स प्रोवाइड कराना। इन एग्रीकल्चर शॉर्ट टर्म्स लोन्स आर रिक्वायर्ड फॉर परचेजिंग सीड्स, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। शॉर्ट टर्म लोन्स जो होते हैं एग्रीकल्चर में वो किस लिए हो सकते हैं? किसी फार्मर को सीड खरीदना है या फर्टिलाइजर खरीदना है। वहीं जो वाइल द लॉन्ग टर्म लोन्स आर
रिक्वायर्ड फॉर लैंड ट्रैक्टर्स, जो लॉन्ग टर्म लोन्स है वो किस लिए होते हैं कि अगर किसी फार्मर को क्या परचेज करना है, कोई लैंड परचेज करनी है या ट्रैक्टर परचेज करना है। हमने ये पढ़ा था कि एग्रीकल्चर के भी, एग्रीकल्चर बैंक के भी दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से। फर्स्ट इज कोऑपरेटिव बैंक, दोज बैंक विच प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन्स टू एग्रीकल्चरल सेक्टर, वो बैंक जो क्या करते हैं शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं एग्रीकल्चरल को, उनको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक। दीज बैंक वर्क एज अ सेम ऑफ कमर्शियल बैंक, ये बैंक उसी की तरह जैसे कमर्शियल बैंक काम करते हैं, डिपॉजिट्स को कलेक्ट करते हैं और लोन्स देते हैं, लेंड करते हैं मनी, बट देयर स्ट्रक्चर एंड ओनरशिप पैटर्न आर डिफरेंट फ्रॉम कमर्शियल बैंक। काम तो कमर्शियल बैंक वाले करते हैं लेकिन जो इनका ओनरशिप और स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल्स क्या है, कौन कौन से दे रखे हैं कमर्शियल बैंक के, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, वो बैंक जो गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, स्टेट के अंडर, सेंट्रल के अंडर और कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो बैंक ओपन करते हैं उनको बोलते हैं प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बैंक। ये सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा ही ओपन किए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, लैंड डेवलपमेंट बैंक, द मेन फंक्शन ऑफ लैंड डेवलपमेंट बैंक इज टू प्रोवाइड लोन ऑन सिक्योरिटी ऑफ लैंड। ये क्या, ये इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये क्या करती है, लैंड के बेस पे किसी फार्मर को लोन देती है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज लोन्स आर टू परचेज ट्रैक्टर, लैंड इंप्रूवमेंट, पेमेंट ऑफ ओल्ड डेट्स। जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इनसे लोन लेने का वो क्या हो सकता है, किसी फार्मर को ट्रैक्टर परचेज करना है या लैंड इंप्रूवमेंट के लिए कोई सोर्स परचेज करना है या पेमेंट उसके ऊपर कोई पुराना कर्ज चलता आ रहा है जो उसको पे करना है। कौन कौन से बैंक्स आते हैं इसके अंदर, स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक एंड प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक। आई होप आपको एग्रीकल्चरल बैंक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, एपेक्स बैंक, अदर एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। इन दिस कैटेगरी मेन अदर बैंक्स ऑफ कंट्री आर इंक्लूडेड, इस बैंक के अंदर जो बच गए हैं वो बैंक्स इंक्लूड किए जाते हैं। कौन कौन से हैं इसके अंदर, हमारे पांच बैंक्स आते हैं, कौन कौन से आते हैं। पहला है सेंट्रल बैंक, द सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स बैंक ऑफ बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री। हर कंट्री के लिए जो उनका सेंट्रल बैंक होता है वो एक क्या होता है, एपेक्स बैंक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बैंक होता है जो कि हर कंट्री का बैंकिंग स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। इट सुपरवाइजेस, कंट्रोल एंड रेगुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक्स ऑफ द कंट्री। ये क्या करता है, जो कमर्शियल बैंक है उनको सुपरवाइज करता है, देख रेख करता है, कंट्रोल करता है उनको और जो भी एक्टिविटीज वो करते हैं उन पे निगरानी रखता है। इट आल्सो एक्ट एज अ गवर्नमेंट बैंकर, और ये सेंट्रल बैंक है तो ये किसके अंडर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बैंक की तरह काम करता है। इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट करेंसी एंड क्रेडिट पॉलिसी ऑफ कंट्री। इसका काम क्या होता है कि कंट्री की करेंसी और क्रेडिट पॉलिसीज को बैंक की, उसको रेगुलेट करना, उसको कंट्रोल करना। The Reserve Bank of India is the central bank of our country. जो हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है, that is Reserve Bank of India. Next कौन सा होता है Apex Bank, that is Exim Bank. Exim Bank की full form क्या होती है, Export Import Bank of India. ये वो बैंक जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में मदद करते हैं किसी ट्रेडर को, उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिम बैंक्स। दीज बैंक्स आर एस्टैब्लिश टू एक्सपेंड दी फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए ये बैंक एस्टैब्लिश किए गए हैं, बनाए गए हैं। ऑन जनवरी 1, 1982 इट इज एस्टैब्लिश। ये कब एस्टैब्लिश हुआ था, पहला बैंक ये जनवरी 1, 1982 में एस्टैब्लिश हुआ था। The main objective of this bank was to provide assistance to traders engaged in import and export. जो main objective होता है इस bank का वो क्या होता है, जो traders import और export के काम में जुड़े होते हैं, काम से जुड़े होते हैं, उनको assistance provide करना, उनको timely loan provide करना। Third apex bank कौन सा है हमारा, Third apex bank है हमारा National Housing Bank. In 1998 NHB was established. पहला National Housing Bank कब established हुआ था, 1998 में। The main objective of established this bank was to provide housing loan to general public. इसका main जो objective होता है वो क्या होता है, housing loan देना general public को, कि किसी को अपने घर को renovate कराना है या किसी को new घर purchase करना है, तो उस case में जो loans provide होते हैं वो हमारे को National Housing Bank से provide करवाए जाते हैं। It also provide refinancing of on housing loans extended by financial institution and commercial bank. ये help करता है अगर किसी ने commercial bank से loan ले रखा है और वो उसको चुकाने में असमर्थ है, तो वो क्या, ये bank क्या करते हैं, उस public, उन लोगों की मदद भी करते हैं उनको refinance करके। नेक्स्ट बैंक कौन सा आता है, नबार्ड। नबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। वो बैंक जो किसमें हेल्प करता है, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर और रूरल एरियाज ऑफ आवर कंट्री की डेवलपमेंट में जो हेल्प करता है उसको हम बोलते हैं नबार्ड बैंक।
लास्ट क्या है हमारा एपेक्स बैंक, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बैंक इज टू रिहैबिलिटेट द इंडस्ट्रीज। इस बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है जो इंडस्ट्रीज को दोबारा से रिहैबिलिटेट करना, उनको दोबारा से अच्छी तरीके से प्रोग्रेस करने में मदद करना। दिस बैंक टेक मैनेजमेंट ऑफ सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन इट्स ओन हैंड। ये क्या करती है, जो इंडस्ट्रीज हमारी इंडिया की सक्सेस नहीं कर पा रही है उनकी मैनेजमेंट को ये अपने हाथ में ले लेती है और उनको फाइनेंस भी करती है और मैनेजरियल एक्टिविटीज में भी हेल्प करती है। तो वो किस बैंक के अंडर आते हैं, हमारे इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रीजनल बैंक। दीज बैंक्स वर एस्टैब्लिश्ड इन 1975 टू एनहांस द बैंकिंग फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज। ये बैंक कब एस्टैब्लिश हुए थे, 1975 में एस्टैब्लिश हुए थे। क्यों, ताकि ये बैंक जो रूरल एरियाज है वहां पे क्या कर सके, वहां की जो बैंकिंग सर्विसेज है उसको और इम्प्रूव कर सके। Combines the features of commercial and cooperative banks. इसमें क्या होते हैं, combined feature होते हैं किसके, commercial bank के और cooperative bank के। ये lending and borrowing भी करता है, deposit भी लेता है general public से और एक अपने members को priority देके उनकी help भी करता है। Provided ये क्या करता है, it provide loans to small farmers। इसका काम क्या होता है, small farmers को loans देना, small traders को loan देना and for the development of agriculture। Agriculture activity से related अगर किसी को loan चाहिए तो भी ये bank हमें loan देने में सहायता करता है। हम अपनी अगली video में chapter 12 function of commercial banks को ही करेंगे। Thanks for watching, please like, share and subscribe our channel for more videos।